आम आदमी ही नहीं बल्कि कई सारे सेलेब्स भी इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में हैं। कई इस लड़ाई में जंग हार चुके हैं तो कई अभी भी लड़ रहे हैं। वहीं हाल ही में खबर आई कि टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक भी कोरोना पॉजिटिव हैं और फिलहाल वो मुंबई से कोसों दूर शिमला में होम क्वारंटीन में हैं। लेकिन उनके पति अभिनव शुक्ला मुंबई में ही हैं और एक खास वजह से शिमला नहीं जाएंगे। दरअसल जिस वक्त रुबीना ने टेस्ट करवाया उस वक्त अभिनव मुंबई में नहीं थे। मुंबई लौटने के बाद ही उन्हें पत्नी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पत्नी के कोरोना संक्रमित होने की बात पता चलने के बाद भी अभिनव शुक्ला शिमला नहीं जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि अगर वो शिमला चले भी जाते हैं तो रुबीना से वो फिर भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्होंने रुबीना के ठीक होने तक मुंबई में ही रुकने का फैसला लिया है। ये सब बातें उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताई है। वहीं अभिनव अपनी तरफ से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रुबीना दिलेक भले ही कोरोना संक्रमित हैं और काफी परेशानी भी वो इस कारण से झेल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं और अब उन्हें इस बात की तसल्ली है कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगी। 1 मई को ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रुबीना ने कहा कि ठीक होने के 1 महीने बाद वो प्लाज्मा डोनेट करेंगी। वहीं उनकी इस पोस्ट पर बिग बॉस 14 के हाउसमेट्स भी कमेंट कर रहे हैं और उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ भी मांग रहे हैं। निक्की तमोली, राहुल महाजन से लेकर अली गोनी तक सभी ने रुबीना की पोस्ट पर कमेंट कर अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं रुबीना दिलेक के फैंस भी उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं।